अच्छा जन सुराज भी आया है एक पार्टी अपना कैंडिडेट क्या नहीं उसको जीरो है जी उसको जीरे है सब हम लोग जा रहे हैं सुनील पांडे में मतलब फाइनल है कि सुनील पांडे फाइनल है हम तो उनका कैडर है हमारे तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आम से लेकर खास तक के लोगों के बीच चुनावी चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है। इस वक्त हम मौजूद है तरारी विधानसभा के सिकरौल गांव में और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि सिकरौल गांव के कई लोग जो हैं वो गली के मुहाने पर चौपाल लगाकर चुनावी चर्चा कर रहे हैं। और हम जब यहाँ पहुँचे बिहार तक की टीम जब यहाँ पहुँची तो लोग चुनावी चर्चा कर रहे थे तो हमने भी सोचा कि इन लोगों के बीच तरारी विधानसभा के चुनावी समीकरण को समझे और इस बार के चुनावी मुद्दों को समझे कि किस मुद्दे पर यहाँ की जनता इस बार अपना बहुमूल्य मत का प्रयोग करने वाला है। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र शर्मा। अच्छा सुरेंद्र जी बताइए जो इस बार विधानसभा का चुनाव है कैसा लग रहा है? जनता के बीच में लहर ठीक है? ठीक है। किसके पक्ष में लग रहा है? सुनील के। अच्छा क्यों सुनील पांडे जी के? तो सुनील पांडे थोड़ी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हमका लड़का लड़ रहा है नु। अच्छा। तो हम तो सुनील पांडे के चिंते हैं जी। मैंने अभी हवा किनका है? अभी तो हवा इनकरे है, मैंने हवा का रुख अभी सुनील पांडे के बेटे की ओर। अच्छा आप बताइए क्या नाम हुआ? चुनमुन शाह। अच्छा शाह जी हैं आप जी। अच्छा ये बताइए शाह जी का वोट तरारी विधानसभा में बड़ा निर्णायक वोट माना जाता है। पिछले बार कह रहे थे लोग, कुछ लोग का कहना था कि शाह जी लोग पिछले बार महागठबंधन के पाले में चले गए थे और इसलिए एनडीए की हार हुई थी, क्या इस बार ऐसा नहीं होने वाला है ना? ऐसा ना हो बीजेपी के जैसे उम्मीदवार बढ़न और दूसरे में काम कैले बन सुनील पांडे, पहले भी जीतल रहन काम कैले रहन तो वो देख के मैंने अब खैर पार्टी से बढ़लो बढ़ल तो मैं सोचा ही कब है। अच्छा बीजेपी के हमें पहले ही से जैसे अथी बन जा, हाँ वाजपेयी के बरस से। अच्छा वाजपेयी जी के समय से ही आप लोग जी। अच्छा ये बताइए माना जाता है ऐसा कि जो बनिया समाज का वोट है वो एकजुट होके कहीं दिया जाता है तो कहीं एक ही जगह दिया जाता है, आप लोगों में बातचीत होती है उसके बाद ही निर्णय होता है कि किसको वोट देना है, तो क्या अभी तक बात हुआ है बनिया समाज का? जैसे मान लीजिए एजना एजा मैंने बातचीत होते बा पी रो जाना तो बीजेपी के ज़्यादा वोट बनिया समाज में बढ़ुए। अच्छा एक बाद में लोग पांडे जी तो बढ़े बन पांडे जी का कहे के बा सुन पड़े के हाँ सुनी पड़े बीजेपी कैंडिडेट जो है विशाल प्रशांत उन्हीं को ही है। हाँ हाँ बीजेपी के समझ के जाए सबसे ज्यादा चलिए आपका क्या नाम हुआ? अजय पांडे। अच्छा अजय जी ये बताइए क्या लग रहा है चुनाव में चर्चा चल रही है? जी 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 क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा कि पांडे जी का जीत होगा। हाँ सब जानता है आपकी खुश से दिल होकर जौन छोटे बड़े भाई पांडे जी के साथ में है। अच्छा जन सुराज भी आया है एक पार्टी अपना कैंडिडेट क्या नहीं उसको जीरो है जी उसको जीरे है, दो चार पांच को वही खाने पीने वाला है ना, तो वही नहीं सब पांडे जी का वोट देगा सब भाई, इसलिए अब की भी पांडे जी का मुद्दा आपकी भी ठीक रहेगा। मैंने सुनील पांडे के जो बेटे हैं विशाल प्रसाद उन्हीं का लहरा भी है जी। अच्छा ये बताइए आप बहुत देर से बोल रहे थे, आपसे हम बात करना चाहते हैं। तो कहाँ जाए हम? आपका क्या नाम? विजय कुमार पांडे। अच्छा ये बताइए कैसा है चुनावी माहौल? चुनाव माहौल सब खाली जा रहा पंजा चाहे का कहा कमल छाप सुशील पांडे में। सुशील पांडे में। हाँ लेकिन जो जादव हैं मुसलमान हैं और जाए उसको जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम लोग सब लोग जा रहे हैं, कानू ले ले दुसाद ले ले बुनियार ले ले सब हम लोग सब जा रहे हैं, कोइर ले ले पसवान ले ले सब हम लोग जा रहे हैं सुनील पांडे में। मतलब फाइनल है कि सुनील पांडे फाइनल है हम तो उनका कैडर है हमारे हम 1983 का बीजेपी का कैडर है। हाँ 83 से ही हाँ सुनील पांडे भी जब हमारे साथ जोड़ी है वो। आपने इनकी बातों को सुना और इनका कहना है कि जो बीजेपी उम्मीदवार हैं उनका लहर है इस तरारी विधानसभा में, आपका क्या नाम हुआ चाचा? रामगियल शाह। अच्छा आप भी बनिए समाज से ही आते हैं, क्या लग रहा है किस तरह का चुनावी चर्चा है? चर्चा तो यही है सुनील पांडे में जाइए सब वोट मैंने मन बना लिए हैं सुनील एकदम एकदम ये वोट इन्होंने जी। अच्छा ये बताइए कि 10 साल जो है आप ही के समाज से आते थे, यहाँ सांसद जो अभी जीते हुए हैं वो यहाँ के विधायक थे और उनके पार्टी से फिर से कैंडिडेट महागठबंधन की ओर से राजू यादव को दिया गया, तो उनको क्यों नहीं आप लोग? अब मेरे फायदा
किसान को जाई में जाई। अच्छा, किसान को सबसे ज्यादा फायदा कहाँ है? हाँ, लगता सुनील पर में जाई। हाँ। कुछ दिखाओ तो काम करके सामने लोग को तरवे उनके के दिन ठीक बा। अच्छा। ये फायदा लोग का ताज है वही आदमी सच्ची जगह। हाँ, मैंने फायदा को ही देख के ये जी जी। हाँ। अच्छा, विकास मायने रखता है कि नहीं क्षेत्र में? तब बड़े विकास तो नहीं आज बच्चे होता ही विकास जब सुनील पर कहले बहुत तो बच्चे लोग का कहना उनका के देख बा जी जी। हाँ, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप कुछ बोलिएगा, आप कुछ बोलिएगा, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? विपिन पांडे। विपिन जी, ये बताइए कैसा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल इस गांव में सुनील पांडे जी के हैं, सभी बीजेपी का वोटर कैडर एकदम सभी हैं, एकदम ओके, सारे लोग तैयार हैं। हाँ, एकदम तैयार हैं। ये गांव जो है आज से नहीं, जब तक से सुनील पांडे जी खड़ा होते हैं तब तक से यहाँ का वोट इधर उधर नहीं जाता। अच्छा, एक बात बताइए, हमने भी तरारी विधानसभा के कई गांव का दौरा किया, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग किया, देखा कि कई सड़कें जो है वो जर्जर है, बहुत हालात जो है विकास, अगर कहा जाए कि विकास उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुनील पांडे की भी तो कमी नज़र आती है। कमी नहीं है हमारे गांव में, नहीं कमी है। अच्छा। जहां पर भी देखते होंगे, आप भी देखते होंगे, सुनील पांडे जी का बोर्ड लगा हुआ होगा, ये तो नज़र में आपके भी होगी ना? हाँ, ये तो दिखाई देता है हर जगह। अच्छा, ये बताइए भाकपा माले के जो आपके 10 साल जो विधायक रहे हैं, उनकी ही पार्टी से फिर एक कैंडिडेट को उतारा गया है, राजू यादव को, तो उनको लेके क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ राजू यादव है भाई, कोई भी हो, यहाँ जो है सुनील पांडे जी के एकदम वोट बिल्कुल यहाँ पर पड़ेगा, अब दूसरा इसमें आका ताकि नहीं होगा, समझ गए? जी हाँ, साफ तौर पे आपने सुना कि जो बीजेपी के कैंडिडेट है विशाल प्रशांत, उन्हीं के मत में ज़्यादातर लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? हमने का नाम ये बाकी अभी हमने का दो हमाल में बा, बात साफ कहे के मतलब कैसे कि हाँ मन दो हमाल में बोलो कि अभी केने कहे के मतलब क्या कर जाति पाति से कौन हमने के विकास जिसे निके होत 5 साल से दे तन जैसे लालू यादव के नाम पर जैसे केहू मैंने कहे तो। अच्छा, क्या नाम हुआ पहले आप नाम बताओ? हरगोविंद सिंह। अच्छा, आप कौन से कास्ट से? जादव जी। अच्छा, तो लालू यादव पे आपको भरोसा नहीं है? ना तो कहे के मतलब कहाँ रह जाता जो 5 साल से दे तन जा कुछ हो जिसे कहे के मतलब निके सुरेश पासवान जी से जीतल सुरेश ने कहा का कहा सुदामा। अच्छा, तो कहे के मतलब गोइलन एक बार जीतलन दो हरी यो जीतलन हाँ तब कहे के मतलब कि कुछ हो हमने के ना कैल तरह से कुछ लाभ है ना भैया कहबे ना कैल आज तारीख ले हमने कि हाँ माने का हो या का ना हो तो यह तो बात बर हुआ दोसर का हम कहें तो इस बार मैंने अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं कि किसका लहर सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है कौन सी पार्टी का अभी तो लहर तो कहे के मतलब कि बनेगा बिगड़ेगा बनेगा बिगड़ा कहते नहीं कि दोनों पार्टी में हमने कौन कभी कौन निर्णय नहीं खेजी अभी निर्णय नहीं लिया ना। अच्छा, विकास मुद्दा रहेगा चुनाव में, इसलिए कि विकास पे चर्चा होती है लेकिन जब चुनाव आता है तो उस वक्त विकास का मुद्दा गौण हो जाता है और जाति का मुद्दा ही सबसे ज़्यादा बहता है, तो क्या लगे बात कहेगा मतलब कि तो जाति पाति का तो ऐसे तो बुझा था कि सुनील पाए हमने कहते बढ़िया बाँ काम करता हूँ ऐसे कि पीरों में बेचारू कोयले बढ़ा। अच्छा, ये बताइए बार बार सुनील पांडे का नाम आ रहा है, यहाँ तो कैंडिडेट के तौर पे उनके बेटे हैं, तो आप लोग क्या सुनील पांडे का चेहरा देख के विशाल को वोट कर रहे हैं या विशाल की अपनी छवि है? हमने के जैसे रहुआ बात कहते नहीं तैसे महेंद्र सिंह रहन बेचारू उनका लड़का खड़ा रही तो हमने के कहे महेंद्र सिंह के नाम पर देख के दे वोट उसी तरह से सुनील पांडे के लड़के। हाँ जी हाँ, साफ तौर पे यहाँ जो सिकरौल गांव के लोग हैं उन लोगों का कहना है, अधिकतर लोग जो हैं वो NDA यानी BJP के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग जो हैं वो और भी पार्टियों को समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी 13 नवंबर को मतदाता अपने मत का प्रयोग करके इस तरारी विधानसभा सीट से किसको जिताकर अपना ताज पहनाती है और किसको पुनः घर वापस करते हैं। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, तरारी विधानसभा, सिकरौल गांव, बिहार तक।